नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र में योगी सरकार के 2.0 कार्यकाल की। जी हां, जब से योगी सरकार ने दोबारा कार्यकाल अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद योगी सरकार तमाम ऐसे ताबड़तोड़ फैसले ले रही है जो कि लोगों को चौंका रहा है। पहले बुलडोजर और एक बार अब फिर से मंत्रियों पर योगी सरकार की पैनी नजर, अधिकारियों पर पैनी नजर, और प्रदेश की खुशहाली किस तरीके से बढ़े इसको लेकर योगी सरकार एक के बाद एक कठोर फैसले लेने से भी चूक नहीं रही है। और इस बार योगी सरकार आपके द्वार लगातार इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इसको लेकर, और क्या कुछ इसको लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं ये हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश भी करेंगे। जनता आपके द्वार यानी कि हर जगह जन चौपाल लगाई जाएगी, सरकार के मंत्री पहुंचेंगे, 18 मंत्री, 18 मंडल, और 15 मई तक पूरी रिपोर्ट आपको सरकार तक पहुंचानी होगी। यानी कि अब मंत्रियों को, अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा, और लगातार ये एक्शन लगातार ये हो रहे हैं। और इसको लेकर जो तमाम मंत्री हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मंत्रियों को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है। सुरेश खन्ना हैं इसमें, स्वतंत्र देव सिंह हैं जिन्हें मुरादाबाद मंडल मिला है, बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल का प्रभार सौंपा गया है, चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह को अलीगढ़ मंडल मिला है, जयवीर सिंह की अगर बात करें तो इन्हें चित्रकूट धाम मंडल सौंपा गया है, धर्मपाल सिंह गोरखपुर मंडल से हम पहुंचे हैं फील्ड पर, और नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बरेली का प्रभार सौंपा गया है, भूपेंद्र सिंह मिर्जापुर मंडल से हैं और इन्हें मिर्जापुर मंडल का पूरा प्रभार सौंपा गया है। और सरकार कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक्शन में है, हर जिले का मॉडल प्लान बनेगा, मंत्रियों को पूरी तरह से निर्देश दे दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, समीक्षा बैठक करें, सभी जनप्रतिनिधि उनके साथ शामिल हो और 3 दिन बिताइए, 24 घंटे बिताइए, जनता के द्वार सरकार है। और अब कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है, और पूरी तरीके से इससे पहले हमने देखा कि 100 दिनों का खाका, प्रेजेंटेशन, तमाम ऐसी चीजें सामने आई जो इसे पूरी तरीके से सकारात्मक समझा जा सकता है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। और शरद त्रिवेदी जी हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, आपसे कुछ ही देर में वो हमको ज्वाइन करेंगे। समीर सिंह यादव हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजी इमरान लतीफ जी हैं, प्रवक्ता हैं आप पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह चौहान जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरएलडी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल शरद त्रिवेदी जी से ही था क्योंकि उनकी सरकार है और लगातार इस तरीके से कदम उठा रही है, लेकिन चलिए विपक्ष से ही सवाल हम कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये कदम सरकार उठा रही है, ये जो कदम है इसको किस तरीके से आप ले रहे हैं, क्या इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कदम उठाए गए लेकिन कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। समीर सिंह यादव जी। जी स्वाति जी, जैसे कि अभी आपने खुद ही अपने प्रश्न में एक पॉइंट ऐड किया कि कई तरीके के इस तरीके के सुझाव और आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं और कई ऐसी नीतियां फॉलो करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं दिखाई दिया है। मेरा भी यही मानना है, और मैं इस कुछ हद तक इस जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं इनको कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स का नाम देना चाहता हूँ, क्योंकि इस जो भी ये नीतियाँ हैं इनका कोई सरकार खुद इनसे कोई रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करती, वो सिर्फ अपनी एक छवि और एक परसेप्शन की राजनीति के लिए ये सब कदम उठाती है, ऐसा मेरा मानना है। और सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मानना ही ऐसा नहीं है, पिछली जो भाजपा की सरकार हमने देखी, जो योगी जी का पहला कार्यकाल था 5 साल का, और केंद्र में भाजपा की जो सरकार है उसमें हमने देखा है कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो कि केवल एक परसेप्शन बनाने के लिए है और उसका कोई रिजल्ट जनता को नहीं दिखाई दिया है, जनता की उससे कोई भलाई नहीं हुई है। और रही बात की अभी जो ये जो नीति ली गई है, जो आदेश आया है, उसमें 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है, मंडलों में जाकर जन चौपाल करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जब
जब लॉकडाउन था या जब पैंडेमिक चल रहा था, और उससे पहले भी जब जनता अपनी बात कहना चाहती है तब ना मंत्री सुनते हैं ना विधायक सुनते हैं, और ना उनके हाथ में कुछ है, ना ही सरकार कोई किसी बात पे कोई ठोस कदम उठाती है। तो उसके बाद अब ये पूरा एक जो शेरेड है, जो ड्रामा है, मैं कह लूँ कि ये 15 दिन में ही चाहते हैं कि सारी जन चौपालें हो जाएं और जनता की बात सुनी जाए, जनता की दिक्कतों को समझा जाए, उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। तो मुझे बहुत हद तक नहीं लगता कि इस पर कुछ होने वाला है। जैसे कि इसके पहले अभी जो मंत्रियों और विधायकों से जो मांगी गई थी, जो उनकी आय की रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें भी सिर्फ बस रिपोर्ट मांग ली गई है, उस रिपोर्ट का होगा क्या। और जैसे कि कई डिबेट्स इस पर हो चुकी हैं पहले भी कि जितनी भी आय का ब्यौरा है, जितने भी मंत्री विधायक हैं, उनका आय का ब्यौरा उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं चुनाव लड़ने से पहले। तो अब ये दोबारा से मांगने के बाद वो क्या करना चाह रहे हैं, ये योगी जी जाने और भाजपा सरकार जाने, बट मुझे इसका कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा है। बाकी आने वाले समय में जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें इनकी क्लियर हो जाएगी। यानी कि आपको कुछ लूप एंड होल्स इसमें नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत इसे पॉजिटिव नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, लूप होल्स हैं बहुत ज़्यादा, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि लूप होल्स, हमारा हम विपक्ष हैं तो हमारा काम लूप होल्स निकालना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जनता की सुनवाई हो। आपको कमी क्या दिख रही है इसमें? जी सबसे बड़ी सबसे बड़ी कमी तो भाजपा की नीयत में है। भाजपा की नीयत जिस तरह से हम देखें अगर, और उनका जो कार्य शैली है, जिस तरह से कार्य करने की उनकी क्षमता है, मुझे उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले भी कई सारी चीज़ हुई, केंद्र सरकार का जो डिमोनेटाइजेशन का जो था उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से अनप्रिपेयर्डनेस के चक्कर में कितनी जनता को कितनी असुविधा हुई और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सिमिलरली जैसे कि अभी ये लाउडस्पीकर वाला भी चल रहा था, इसमें कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पे पुलिसकर्मी जो जा रहे हैं इसमें जो स्पीकर्स को हटाने या फिर जो कोर्ट की जो मापदंड है उनको फॉलो करवाने, उनको खुद ही नहीं पता है कि मापदंड है क्या, उनको ये नहीं पता वो टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, उनके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे मापा जाए कि कितना डेसिबल प्रोड्यूस हो रहा है उस लाउडस्पीकर से। बस उनको एक आदेश दिया गया है तो वो उसमें बस उतारने में लगे हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह वॉल्यूम नियंत्रण कराया जा रहा है, तो बिना डेसिबल मीटर के, बिना कोई ऐसे यंत्र के जो डेसिबल मीटर डिसाइड करे, उसके ही नियंत्रण कैसे ला रहे हैं वो यही जाने। तो जैसा मैंने कहा कि नियत में बहुत बड़ा खोट है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसीजन या कोई भी जो नीतियां जो लागू हो रही हैं, जो आदेश पारित हो रहे हैं, इसका जो अल्टीमेट गोल है वो जनता की भलाई है। मुझे लगता है ये सिर्फ छवि सुधारने के लिए और एक परसेप्शन बनाने के लिए ये सारी काम किए जा रहे हैं। मतलब ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। काजी इमरान लतीफ जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि केजरीवाल सरकार इससे पहले तमाम चीजों को लेकर इस तरीके के पॉजिटिव चीजें निकाल कर सामने आई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का चाहे 1.0 राज की बात कर लीजिए, चाहे 2.0 राज की बात कर लीजिए, कुछ नहीं बदला है, सब वैसे ही चल रहा है। पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या काम किया था उसकी गाथा जो है इनके स्वास्थ्य मंत्री खुद बता रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत है, स्वास्थ्य विभाग की हालत है, उसको देखकर इनके स्वास्थ्य मंत्री खुद शर्मिंदा हैं। ब्रजेश पाठक जी ने इस तरह के बयान कई जगह पर दिए, इससे साफ पता चलता है कि पिछले 5 साल में किस तरह से सरकार योगी आदित्यनाथ जी की चली है। आज जो चल रहा है, आज भी आप देखिए कि इन्होंने आदेश दिया था कि अपने मंत्रियों को जाने के लिए, 70% से ज़्यादा मंत्री अभी भी घर पर बैठे रहे, कोई जिले में गया ही नहीं, तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हुआ रखा है, इस बात से साफ पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई इकबाल जब अपने मंत्री और अपने विधायकों पर नहीं है तो फिर ये माफियाओं पर, गुंडों पर, अपराधियों पर कैसे होगा। आप मुजफ्फरनगर से उठाकर देखिए और प्रयागराज तक चले आइए, आपको हर जिले में रोज कोई ना कोई घटना ऐसी देखने को मिलेगी जो आपका दिल दहलाएगी। सरकार तो ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जा रहा है, और इसीलिए ये एक्शन प्लान तैयार किया है ताकि जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। सरकार अब आपके घर जाएगी, इससे ज्यादा क्या कर सकती है सरकार? देखिए, कहने से क्या होता है, बात वीरों की सरकार है ये जुबान वीरों की सरकार है, ग्राउंड पर कोई काम नहीं। मैं तो कह रहा हूं खेत मेड़ के लिए झगड़ा मुजफ्फरनगर में होता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, प्रयागराज में रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज अपहरण हो रहा है। आप देखिए सीतापुर में जयमाल से लड़की गायब हो जाती है, उसमें उसकी लाश बरामद होती है। सिद्धार्थनगर का जिक्र कर लीजिए, अभी एक लड़के की हत्या 3 लड़कियों ने मिलकर कर दी है। ये चुनाव के दरमियान जब घूमते थे तो आवारा पशुओं की रोकथाम की बात करते थे, थाने के अंदर घुस के सांड ने दरोगा को पटक दिया है, ये आज उत्तर प्रदेश की हालत है। गंगा को स्वच्छ करने की बात ये पिछले 5 साल से चिल्ला रहे हैं, आप गंगा की क्या हालत है वो उठाकर देख लीजिए। तो कुल मिलाकर इनके कथनी
कटनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और वही अंतर इनकी इन तमाम योजनाओं के अंदर भी दिख रहा है। अभी ये मंत्रियों को भेज रहे हैं, मंत्री जाने को नहीं तैयार हैं और जाएंगे भी तो खाना पूर्ति करके चले आएंगे। अभी गोरखपुर का जिक्र मैं करूंगा, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी खुद पागल हो गए, इतने ज्यादा लोग वहां पहुंच गए उनके जनता दरबार में। तो कुल मिलाकर कहीं कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहा है, जनता की कहीं नहीं सुनी जा रही है। ये भी है कि जो सालाना आपकी इनकम होगी, सालाना जो वेल्थ होगी, आपको डिक्लेयर करना होगा और एक साल नहीं हर साल आपको करना होगा 5 सालों में। अच्छा, पिछले तो एक महत्वपूर्ण कदम देखिए, तो देखिए स्वाति जी, पिछले जो कार्यकाल में भी इस तरह के तमाम ढोंग किए गए थे। अच्छा, उसमें क्या किया गया बताइए। पिछली बार भी तमाम विधायकों से, मंत्रियों से उनकी संपत्ति का, उनकी आय का डेटा लिया गया था, उसको क्या किया, कहां गया वो डेटा। तमाम लोगों की आय 4 गुनी बढ़ी 100 गुनी बढ़ी, उन मंत्रियों के, उन विधायकों के साथ क्या सलूक किया योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी सरकार ने। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ लोक लुभावन तरीका है जनता को थोड़ी देर के लिए गुमराह करने के लिए, थोड़ी देर के लिए आकर्षित करने के लिए एक कोशिश की जाती है। दरअसल दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चूंकि लगातार काम कर रहे हैं तो इनको लगता है कि उसकी नकल ये भी कर सकते हैं, लेकिन नकल करने में और अकल करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अच्छे काम करने के लिए नियत की जरूरत होती, जो नियत यहां पर नहीं है। दिल्ली और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर अच्छी नियत है तो इस तरह से वो काम कर ले जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, बिजली पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कहां बिजली फ्री देने की बात हो रही थी, बिजली सस्ती देने की बात हो रही थी, आज बिजली ही नहीं दे पा रहे हैं गांवों के अंदर। महंगी और सस्ती की बात दूर है, ट्रांसफार्मर जल जाए, पोल गिर जाए, तार टूट जाए तो उसको तब तक नहीं सही होता है कि जब तक गांव के लोग एक एक रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए का चंदा करके ले जाकर जमा ना करें बिजली घर पर, तब तक ये सही नहीं होता है। तो ये हालात है गांव गिराव के उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, आप इसको लोक लुभावन मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन फैसला मान रहे हैं, बल्कि और कुछ नहीं, और एक अच्छा इनिशिएटिव भी नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, आरपी सिंह चौहान जी, क्या आप भी इसे लोक लुभावन फैसला मान रहे हैं या फिर एक सरकार की तरफ से पॉजिटिव कदम 2.0 में? हर सरकार ये चाहती है कि हमारी छत जो है जनता के बीच में अच्छी रहे और उसके लिए वो तरह तरह के प्रयास करती है, वो करना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये नया तरीका इन्होंने निकाला, हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे वो कहते थे हम देख रहे हैं, देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम दिखेंगे। तो भाजपा का ये है कि इन्होंने वादे किए थे, ये वादे कर रहे हैं, ये फिर नए वादे करेंगे। पुराने वादों का क्या हुआ, जो चुनाव में कही गई बातें थी उनका क्या हुआ, अगर उस पर काम होता और उस पर कोई कार्य योजना बनती कि गन्ना का भुगतान 14 दिन में हमने कहा था दिलवाएंगे तो कितने लोगों का भुगतान हो गया, इस पर एक बैठक होनी चाहिए थी। बिजली हम आधे दाम कर देंगे तो बिजली सप्लाई कितनी है, इस पर बात करनी चाहिए थी। सरकार की, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि पब्लिक में हमारी बेइज्जती हो, बदनामी हो, थूथ हो, उसके लिए काम कितना करती है धरातल पर ये देखने वाली बात है, और दावे करना एक अलग बात है। तो इस सरकार का एक ये लीपापोती का तरीका है कि जो रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये समस्याएं हैं, मंत्रिमंडल को इन पर चिंतन करना चाहिए जब कैबिनेट की बैठक हो, और मुख्यमंत्री जी को भी इन पर संजीदा होना चाहिए कि जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार कैसे मिले, महंगाई पर कैसे लगाम लगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं, जो गांव के लोगों की परेशानियां हैं। आप भूमाफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हो, गरीबों को उजाड़ करके, कौन सा भूमाफिया, जिले जिले भूमाफिया काबिज है और तालाबों पर कब्जा है। सर, भूमाफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है ना सरकार की तरफ, बुलडोजर चल रहा है, तस्वीरें हम दिखाते हैं, बुलडोजर कहाँ नहीं चल रहा वो हम बताते हैं जी। हमने ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि तालाब पर कब्जा नहीं होगा, नालों पर कब्जा नहीं होगा, नदियों पर कब्जा नहीं होगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं जानता हूँ, लेकिन सीतापुर जिला अधिकारी को मैंने लेटर दे करके कहा कि ये नगर क्षेत्र में 35 तालाब और 243 कुएं आरटीआई में प्रशासन ने ही बताया, तो उनको भैया खुदवा दीजिए, करा दे कार्रवाई, चलाइए आप खबर। होता क्या है कि प्रतीकात्मक कार्रवाई को आप धरातल पर कार्रवाई नहीं कह सकते, जब कार्रवाई का मतलब है कि भाई 75% हो जाए, 50% हो जाए। अब एक आदमी का कोई अतिक्रमण हटा करके आप कह रहे हो भूमाफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं। भूमाफिया जो है या जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं, वो जिनकी भी सरकार रहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही है,
उनकी कोई पार्टी होती ही नहीं, जो ही सरकार बनती उस सरकार का झंडा लगा लेते हैं, उस सरकार का पट्टा डाल लेते हैं। तो चलिए, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ चीजें दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है और चीजें शुरू करने के बाद ठंडे बस्ते में डाल देती है। कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज नहीं है, पहले भी हो चुकी है इन तमाम ये चीजें, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं नजर आ रहा है, ये विपक्ष का मानना है। हालांकि सरकार के अपने अलग दावे हैं, सरकार अपनी तमाम बातें अलग कह रही है। वो कह रही है कि इससे एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार अब आपके द्वार होगी, जन जन चौपाल लगेगी, जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा और जो ढीली कार्यशैली है उनके पेच पूरी तरीके से कसे जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार 2.0 लगातार एक्शन में है। ये सरकार के दावे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं और आपको ये भी बता दें कि मंत्रियों को लेकर भी खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक जिले में कम से कम 24 घंटे आपको बिताने होंगे और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन कौन से मंत्री हैं जो लोगों के पास पहुंचेंगे, क्योंकि 18 मंडल हैं और 18 मंत्री जो समूह हैं वो तैयार कर दिया गया है, एक पूरा पैनल कह सकते हैं तैयार कर दिया गया है इसको लेकर, और तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष हालांकि अपना ही एक जो है शिगुफा है उसको अलग लेकर चल रही है। विपक्ष का ये कहना है कि तमाम चीज़ों पर खाली बीजेपी लीपापोती कर रही है, जो चीजें हैं वो बहुत उससे इतर हैं। समीर सिंह यादव जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जरा ये बताइए कि कमियां आपको इसमें क्या दिख रही हैं? स्वाति जी, कमी जैसे सबसे पहले मैंने बताया, कमी सबसे बड़ी कमी तो इसकी इनके पीछे जो उसका जो उनकी जो इंटेंशन है वो इंटेंशन सबसे बड़ी कमी है। जब आपकी इंटेंशन होगी आप कोई भी काम अच्छा तब कर पाएंगे जब आपको उस कार्य करने की आपकी इच्छा होगी, आपका इंटेंशन अच्छा होगा। लेकिन ये जो सरकार है, भाजपा की जो सरकारें हैं खास तौर पर, उनकी इंटेंशन उनके कामों में कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देती है और यही रीज़न है कि अब एक महीना से ऊपर हो गया नई सरकार बने उत्तर प्रदेश में और हम इस टाइप के काम देख रहे हैं, चाहे वो बुलडोज़र हो, चाहे वो आपका लाउडस्पीकर हो, या आज ये मंत्रियों को जन चौपाले करने के लिए बता बोली जा रही हैं। कोई भी ठोस काम उनके पोल प्रॉमिसेस काम तो हो रहे हैं, आप देख लीजिए मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जिला अस्पतालों का दौरा करने पहुंचते हैं, उसमें क्या कुछ कमी है? वो हड़काते हैं डॉक्टरों को, कहते हैं कि आप भाई सुधार कीजिए, और क्या इससे ज्यादा देखने को मिलेगा? सूर्य प्रताप शाही भी मेरठ मंडल पहुंचे हैं, इसके अलावा जो तमाम इनके उप मुख्यमंत्री हैं, खुद सीएम भी इसको लेकर आदेश दे रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आप लोगों को? जी, आदेश जरूर पारित हो रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन क्या एक महीने में कोई भी इनका जो पोल प्रोमिसेस थे उस पर हमने कोई भी हमने मूवमेंट देखी है? कोई भी पोल प्रोमिसेस के ऊपर इन्होंने कोई भी कार्यवाही करी है? एक महीना हुआ है तो एक महीने में फिर आपको इस एक महीने में महंगाई का दर कहां से कहां पहुंचा जा रहा है? जनता त्राही त्राही कर रही है पेट्रोल डीजल एलपीजी पीएनजी की दामों से, और आप लगे हुए हैं लाउडस्पीकर, और क्या है लाउडस्पीकर, क्या आपका ये अभी जो हमने देखा अभी जो बुलडोजर चल रहे हैं, क्या ये मुद्दे आम जनता के मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइम पे? क्या इस टाइम पे रोजगार और महंगाई से ज्यादा बड़ा कोई मुद्दा है? कितनी बार हमने देखा योगी जी को महंगाई पे बोलते हुए, इनफैक्ट भाजपा के जो और जो स्पोक्स पर्सन है या जो इनके कार्यकर्ता है वो इसको कभी यूक्रेन से जोड़ने पे लगे हुए हैं, कभी ग्लोबल क्राइसिस से जोड़ने पे लगे हैं। तो इनको क्रेडिट उस काम का चाहिए जो काम हो पा रहा है, लेकिन जो काम नहीं कर पा रहे उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। और अगर कोई बोले कोई उस पे, अरे सर ये भी सुन लीजिए कि इस बार मंत्री और विधायकों तक नहीं, आईएएस और आईपीएस भी उनके जद में आएंगे और उसकी पूरी फैमिली उनके इसके जद में आएगी और सभी को अपनी संपत्ति का पूरा जो ब्यौरा है वो देना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी और हर साल देना होगा। जी, आईएएस जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो सेंट्रल के अधिकारी हों, आईएएस हों, चाहे वो प्रांतीय सेवा के हों, पीपीएस वाले अधिकारी हों, इनके लिए इनका ऑलरेडी एक समूह है जिनपे इनको अपनी आय का विवरण देना पड़ता है। लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर अपनी एक छवि सुधारने के लिए, बड़ा मुद्दा, बिल्कुल ये सिर्फ मुद्दा बनाने की राजनीति है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं वो गायब हैं।
अब एक महीना हो गया है, महंगाई पे कोई बात नहीं है, एक महीना हो गया है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं है, तो उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाए? जब तक ये सब काम करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये काम आसान है, क्योंकि इसमें कोई एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने बोल दिया कि विवरण दीजिए, विवरण देने के बाद 15 मई तक आपको जवाब देना होगा, और जो जवाब नहीं देगा उसके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित है। जवाब देना होगा, ये बात सही है, लेकिन जवाब देने से होगा क्या? क्या जवाब देने के बाद उनको उनसे निलंबित किया जाएगा? क्या अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा? इन्होंने अभी कुछ दिन पहले लिस्ट निकाली थी जिन आईएएस आईपीएस की ऊपर इन्होंने कार्यवाही करी है, जिन पे ऊपर कोई भी आय से अधिक इनकम या फिर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन वो ना, आपने अधिकारियों पे स्टैंड तो ले लिया, लेकिन उन अधिकारियों के पे उनके अलावा गोरखपुर में जिसने कानपुर के व्यापारी की हत्या कर दी उन पे आरोप था, वो कहां है? जिन लोगों ने, जो बाकी के अधिकारी हैं उनका नाम कहां है? तो ये सब आधी अधूरी चीजें हो रही हैं, सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए हो रहा है। तो मेन इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था, सबसे बड़ी बात नियत की है, और नियत यहां साफ नहीं है। ठीक है, इमरान लतीफ जी, क्या इसे आप भी पूरी तरीके से प्रेशर मान रहे हैं लॉबीज के ऊपर? देखिए, कुल मिलाकर कुछ करने की नियत नहीं है, सिर्फ कुछ चीजों को छिपाने की नियत है। जो छिपा क्या रहे हैं? जिन मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। बेरोजगारी का आलम यह है स्वाति जी, यहीं बगल में आपके इको गार्डन है, आप किसी भी दिन यहाँ से चले जाइए, आपको वहां पर दिखेगा युवाओं का एक जत्था दिखेगा जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत रहता है, और वो तमाम वो लोग हैं जो प्रदेश भर से आते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपनी मांगों को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। आज आप गाँव में चले जाइए, गेहूं की फसल कट के पहुंची है, गेहूं खरीद केंद्रों की क्या हालत है वो जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। अभी गेहूं की जो फसल, खड़ी खड़ी फसल लाखों बीघे प्रदेश के अंदर खाक हो गई, उनको मुआवजा देने की बारी है, वहां प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए थोड़े थोड़े समय के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इस तरह के मामले लाए जाते हैं ताकि मूल मुद्दों को ढका जाए, छिपाया जाए, और जनता के मूल मुद्दों पर बात ना हो पाए। अभी मैंने जिक्र किया था बिजली का, देख लीजिए क्या हालत है पूरे प्रदेश के अंदर, गांव में एक एक दो दो घंटे बिजली आ रही है, लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह की हालत है पूरे प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप पश्चिम से लेकर पूरब तक चले आइए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले जाइए, कहीं पे अपहरण हो रहा है, कहीं पर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अभी एक महिला दरोगा ने आत्महत्या कर लिया। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो लगातार अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि सरकार ध्यान भटका रही है, मुद्दों से इस तरह की चीजें कर रही है, ध्यान भटके जनता का, और ऐसी चीजों को लाने से कहीं ना कहीं हमारी जो इमेज है वो पक्की बने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा लगातार जारी रहेगी कुरुक्षेत्र।